नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं गांव वाला ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो मिस्टेक्स हो गई है मुझसे, वो आप लोगों को नहीं करना है। मैं भी नहीं करता हूं, मैं मॉर्निंग का ट्रेड वैसे लेता नहीं हूं, बट आज गलती से ले लिया मैंने। और क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है, सब कुछ सारे लेवल जानते हुए भी कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है, ह्यूमन नेचर होता है और हर किसी को लालच आता है, तो वो लालच के चक्कर में ही आदमी फंस जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ट्रेड लेना नहीं है, और अगर लेना है तो कहाँ लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इस बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन, और यहाँ पर आपको ले चलता हूँ मैं मॉर्निंग की जो कैंडल बनी थी यहाँ पर। फर्स्ट कैंडल बनी यहाँ पे, कल मार्केट इस कैंडल में क्लोज हुआ। मैंने ये ट्रेंड लाइन पहले से ही ड्रॉ कर रखी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ था और सेम जगह पे मार्केट ओपन हुआ, और ये पहली कैंडल पहली 5 मिनट की आप देख पा रहे होंगे। बैंक निफ्टी का जो चार्ट मैंने लगा रखा है वो 5 मिनट का लगा रखा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहली कैंडल जो बनी और उसने यहाँ नीचे धकेला, मतलब सेलर्स इस पर हावी हुए, और सेलर्स हावी होने के बाद यहाँ पे यहाँ तक ले गए इसको, और वापस से यही कैंडल ये वापस हो गई। मतलब ये एक प्रकार का हैमर तो नहीं बना, बट हैमर जैसा कह सकते हैं, हैमर पूरी तरह नहीं बन पाया ये। अगर ये यहाँ पे आ जाता खींच के, ये वाला पोर्शन अगर खींच के यहाँ पे आ जाता तो ये पूरी तरह हैमर बन जाता, और फिर मैं श्योर हो जाता कि मुझे कॉल साइड जाना है। तो यहाँ पे पक्का बनता फिर इस लेवल को, जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इसको आसानी से ये ब्रेक करके और मार्केट ऊपर के साइड निकल जाता ऐसे करके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, और नेक्स्ट कैंडल ने भी यहाँ पे मुझे लगा कि हो सकता है ऊपर खींच जाए, लेकिन ऊपर गया नहीं और नीचे वापस यहाँ पर खींचा इसने। नीचे जब खींचा तीसरी कैंडल का भी मैंने वेट किया कि ये, हालाँकि इसकी वीक आप देखेंगे तो यहाँ तक गई हुई है, तो यहाँ पे फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि खींच दे ऊपर, लेकिन ऊपर वो ले जा नहीं पाए जो हमारे बायर्स थे, और उन्होंने यहाँ पे बायर सेलर्स इस कैंडल में दोनों हावी हो गए और इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। हालांकि वीक यहाँ तक गई, लेकिन इसके पहले जो मुझे दिख रहा था, जो मुझसे मिस्टेक हुई आज, वो ये हुई कि एक तो मुझे ये नीचे सपोर्ट ये वाला दिख रहा था, दूसरा सपोर्ट मुझे ये दिख रहा था। तो ऐसे अगर ऐसे करके देखेंगे, अगर ऐसे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे कुछ बन रहा है, मतलब अब ट्रेंड का कुछ बन रहा है। हालांकि ऊपर भी एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट देखा, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट देखा, और तीसरा इस लाइन ने क्या करा, यहाँ पे सपोर्ट दे दिया। तो अब ये वाली मुझे लगा कि इस कैंडल में मैं ट्रेड मार दूँ अपसाइड का, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया सोच विचार के करने के चक्कर में कि ट्रेड लूँ नहीं लूँ। फिर ये कैंडल जब कंप्लीट हो गई और ये वाली कैंडल जैसे ही बनी, तो इस कैंडल में ही मैंने, मुझे लगा कि अब इसको पार कर देगा, क्योंकि मेरा हमेशा से मैं देखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि जब कभी ऐसे तीन कैंडल बन रही होती हैं और तीन कैंडल बनने के बाद चौथी कैंडल अगर इस लेवल तक पहुँच जाए तो हमें यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए, और ये अच्छा खासा मूव दे के जाता है। तो उसी चाले में आके मैंने यहाँ पर इस कैंडल में ट्रेड मार दिया था कॉल साइड का, ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई और उस चक्कर में मैं फंस गया। और जैसे ही अब नेक्स्ट कैंडल में देखिए, नेक्स्ट कैंडल ने पूरा मौका ही नहीं दिया, वो पूरा धकेल के ले जाके यहाँ पे रख दिया। अब मैंने सोचा कि SL कहाँ रखूँ, SL अगर इस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर हम SL जो रखते हैं, जैसे अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं SL रख रहा हूँ तो ये 46,026 का लेवल है, और ये गया था यहाँ पर 113 तक, मतलब लगभग आपका 90-100 पॉइंट का लगभग ये कैंडल बन रहा है। तो जब 100 पॉइंट का SL रखेंगे तो टारगेट भी हम उसका 1:2 रखेंगे या 1.5 रखेंगे। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज मैं वेट करूँगा, और उस चक्कर में जब ये इस कैंडल ने यहाँ पे यहाँ तक क्लोजिंग दे दी और फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, तो मुझे फिर से लगा, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया नहीं, और फिर मुझे यहाँ पे लगा कि हो सकता है कि मार्केट आप ऊपर साइड खींचे, लेकिन ऊपर साइड ना खींच के इसने क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दी, और ये ऐसे कुछ बना दिया, जो कि मेरी आदत है, ऐसी जो कंडीशन बनती है मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ता और मैं ट्रेड मार देता हूँ। तो मैंने क्या करा, मेरा एक कॉल का ये चल ही रहा था,
दूसरा मैंने यहाँ पे पुट साइड का भी लगा दिया कि अब देखते हैं बीच में जो गैप रहेगा, मुझे लगभग कितने 500-600 रुपये का कुछ बीच में लॉस हो रहा था, पर मैं यहाँ पे समझ गया था कि अगर कॉल पुट ने अगर यहाँ तक खींच दिया नीचे तक, तो ये मेरा कॉल का जो लॉस है वो सब रिकवर होके बराबर हो जाएगा और नो प्रॉफिट नो लॉस, या कि कुछ ना कुछ 100-200-400 प्रॉफिट में ही निकलूँगा मैं, ऐसा मुझे वो था। अगर ये यहाँ पे खींच देता तो मैं फिर यहाँ पे यहाँ तक आते आते मैं कॉल का जो मेरा चल रहा था ऑलरेडी पोजीशन उसको मैं कट कर देता और ये जो नीचे साइड का आता हमारा पुट का वो हमको प्रॉफिट दे के चला जाता, ठीक है। लेकिन ये इसने क्या करा, इसने भी मुझे धोखा दे दिया और इस कैंडल पे ये अपसाइड जाने लगा, तो कुल मिला के मुझे अब दोनों साइड का लॉस होने लगा था, कॉल साइड क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड बाइंग थी और यहाँ पे पुट साइड की यहाँ पे बाइंग थी, तो अब मुझे दोनों साइड से मार पड़ने लगी, मतलब कॉल से भी मार पड़ रही थी और पुट से भी मार पड़ रही थी। इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में आज मैंने डाला था शॉर्ट्स में कि आज मार्केट ने मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा है। मुझे अभी हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा मुझे अपने आप में ही वो हो रहा था कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, बट हो जाती है, ह्यूमन नेचर है। इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो लगा कि ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। और आप लोगों को भी सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती नहीं करें कि ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे डबल मार पड़ने लगी, यहाँ से पुट साइड ने यहाँ तक मारा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक और गलती हुई मेरे से, फिर यहाँ पे जाके मैंने पुट भी एग्जिट नहीं किया। अब मैंने तो यहाँ पे हेजिंग कर दी। हेजिंग वर्ड आपने अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूँ, हेजिंग होती है कॉल भी लेना और पुट भी लेना। लेकिन उसमें क्या होता है हेजिंग में, कि हमें जो स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करना होता है उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। मैंने वो डिफरेंस भी थोड़ा सा गलत कर दिया था जल्दबाजी के चक्कर में, तो वो लॉस एक चांस ऐसा बना था कि जब यहाँ पे ये कॉल आया था तो ये कॉल मुझे यहाँ तक जब लेके गया तो ये कॉल साइड मुझे 450 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है। तो ये 450 रुपये लेने के लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने सोचा कि मैं 450 रुपये नहीं लूँगा इसको, जब मेरी इस ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर साइड की खींच रखी है यहाँ पे मैं अपने पुट को एग्जिट कर दूँगा और ये मुझे कॉल तो दे ही रहा है प्रॉफिट, तो ये जब ऊपर खींच देगा तो मेरा जो लॉस दिखा रहा था वो सब कवर होके और प्रॉफिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे उल्टा मार पड़ गई। अभी मैंने कुछ भी एग्जिट नहीं किया, ना ही पुट एग्जिट किया ना ही कॉल एग्जिट किया। वापस जब आ गया यहाँ पे तो फिर वही कंडीशन हो गई, अब दोनों तरफ से मार पड़ने लगी। अब मार टोटल पड़ रही थी कितने की, 1300-1400 रुपये की। फिर क्या करा मैंने कि यहाँ पे पुट साइड यहाँ पे जब आया इस लेवल पे कहीं, ये थोड़ा सा मैंने वेट किया, मैंने कहा चलो आज देखते हैं क्या होता है। कोई बड़ा मैंने एक एक लॉट ले रखा था इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं था, और बैंक निफ्टी का जो हमारा लॉट साइज चेंज हो गया है 15 हो गया है, तो उससे थोड़ा लॉस कम दिख रहा था, तो 1000-2000 का लॉस तो अब आदत पड़ गई है लेते लेते। तो अब जब यहाँ पे पुट आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ये इसी कैंडल में एग्जिट किया हूँ कहीं पे, ठीक। अब ये यहाँ एग्जिट करने के बाद वो थोड़ा सा और प्रॉफिट दिखा रहा था, मैंने कहा फिर गलती कर दी लगता है। इसके बाद में जब ये वापस ऐसे आया तो मैंने कहा नहीं गलती नहीं हुई, फिर ये ऐसे कंडीशन क्रिएट करा। यहाँ जाके मैंने फिर क्या करा, अपने जो कॉल का चल रहा था, कॉल अभी भी मेरा चल ही रहा है, ठीक, पुट का मैंने प्रॉफिट लेके उसको जाने दिया, ठीक है भैया जो भी दे रहा है, पुट कॉल को मैंने होल्ड रखा। अब कॉल को ये होल्ड करते करते और यहाँ तक गया तब भी मेरा अभी यहाँ पे लॉस ही चल रहा है, ठीक है। अब वो फिर एक बार ऐसी कंडीशन बनी, ये 3 बजे की, ये एक बजे समथिंग ऐसा बना, 2 बजे का मैं वेट कर रहा था कि 220 पे मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन 220 पे भी कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। एक कैंडल ने यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया, ये जो ये बना हुआ है, ये कंडीशन जो रहती है मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए मेरे पास ऐसी कुछ कंडीशन नहीं थी कि मैं ले सकूँ। पहले ही एक मेरा चल रहा था और वो जो लॉस हुआ था चल रहा था, उसने मेरे माइंड साइकोलॉजी को पूरी तरह चेंज कर दिया था। तो मैंने इससे आज ये भी सीखा कि जो हमारा लॉस होता है, अगर एक भी ट्रेड अगर हमारा लॉस पे चल रहा होता है, चाहे वो आपका लॉस 2 रुपये का ही क्यों ना चल रहा हो, वो आपके माइंड साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल देता है। आपकी माइंड साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है, आप शांति से नहीं बैठते हो और आप अपने दिमाग पे प्रेशर फील करते हो, उसके कारण आपके अगले जो आने वाले ट्रेड रहते हैं वो भी आपके गड़बड़ हो जाते हैं।
तो 220 भी नहीं लिया और 3 PM भी नहीं लिया। हालांकि मौका भी नहीं बना, इतना खास कुछ मौका बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक ये चैनल बनाया और दूसरा इसके नीचे का चैनल बना दिया, तो आज कोई खास मौका बना नहीं। एक हिसाब से कह सकते हैं कि साइडवेज हो गया था 12:30-12 के बीच। और मैंने मॉर्निंग में एक लेवल भी दिया था कि अगर नीचे साइड 950 के नीचे जाता है तो हम ट्रेड लेंगे, जैसा यहाँ पे हुआ था ये वाला ट्रेड 950 जो हमने लेवल दिया था, ये हो गया आपका यहाँ पे समथिंग। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मारा तो आपको यहाँ पे 860 तक का अच्छे पॉइंट मिले, तो ये अच्छा खासा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी नहीं। और मैंने ऊपर का जो लेवल दिया था कॉल साइड जाने के लिए, मैंने खुद दिया था 46,222 का, लेकिन मैं खुद ही यहाँ पे थोड़ा आज लालच में आ गया और मैंने सोचा आज जल्दी एंट्री करूँगा और जल्दी एंट्री करके मैं थोड़ा ज़्यादा कमा सकता हूँ, तो उल्टा घुस गया। अभी भी मैं आपको बता दूँ, वो जो मैंने कॉल लिया था अभी भी होल्ड पे चल रहा है और वो BTST चला गया है, मैंने उसको होल्ड कर रखा है। और अब आपको बताता हूँ कि होल्ड क्यों कर रखा है मैंने उसको। ये मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ अपना, जो आज मार्केट बंद हुआ है 45,921 पे, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको मैंने जूम इन कर दिया है चार्ट को, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने इसको लगा लिया है बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक सपोर्ट ये लिया है, दूसरा ये भी सपोर्ट लिया है, तीसरा सपोर्ट लिया ही है आज का, और चौथा भी सपोर्ट लिया है। अब मैंने BTST इसलिए उसको होल्ड कर रखा है, मतलब आज जो हमारा कॉल चल रहा है उसको होल्ड करने का रीज़न बता रहा हूँ आपको, कि चार जगह इसने क्या करा है, सपोर्ट लिया है, लेकिन अभी इस लेवल को तोड़ा नहीं है उसने। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि अगर इसने तोड़ा नहीं है तो फिर अब कल सुबह दो ही कंडीशन बनेगी, या तो इस लेवल को तोड़ के यहाँ तक जाएगा, ये जो इसका लेवल यहाँ पे चल रहा है यहाँ तक जाएगा, मतलब 700 के लेवल तक जा सकता है अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो, ठीक है। और अगर इसको नहीं तोड़ता, अगर फ्लैट यहीं कहीं ओपन होता है और ये ऐसे ऐसे करके गया, तो फिर यहाँ अगर 100-150 के लेवल पे भी आ गया तो मेरा ये जो कॉल चल रहा है यहाँ का, ये मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको होल्ड पे कर रखा है। और अगर ये नीचे साइड जाने की कोशिश करता है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है ओपन होके और यहाँ पे नीचे की साइड जाने की कोशिश करता है, तो मैं फिर एक पुट मार दूंगा और इस कॉल को एग्जिट कर दूंगा। जैसी भी सिचुएशन बनेगी, मुझे ये सुबह मॉर्निंग में प्री ओपनिंग में ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस साइड का मूव करने वाला है, क्योंकि 9:08 पे हमारा वो सारी चीज़ें रेट सेटल हो जाते हैं और उससे हमको पता चल जाता है। पता तो हमको लगभग लगभग कितने बजे चल जाता है, 7:30 समथिंग पता चल जाता है कि हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा वो क्या कहाँ पे ओपनिंग कर रहा है, उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट क्या रहेगा। और बाकी का जो टाइम बचा कुचा रहता है रेट सेटलमेंट का, वो हमारा 9:08 पे सारे रेट सेटल हो जाते हैं, और फिर भी उसमें हमको 7 मिनट टाइम मिल जाता है अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो जैसा कुछ भी होगा 9:08 में, वहाँ पे मैं अपना ये टाइम जो हमारा कॉल होल्ड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्रेटजी बना लूँगा कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और पुट बाय करना है कि अपसाइड जाने का वेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं तुरंत ही उसको अपना माइंडसेट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो रहा ये मेरी गलती की, मैंने जो गलती करी वो आप लोगों को बताई मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल मार्केट किस हिसाब से कहाँ पे ओपन हो सकता है और क्या हमारी जो ट्रेड की कंडीशंस बनेंगी वो क्या हो सकती हैं। देखिए मार्केट अभी एक हिसाब से देखा जाए तो अभी जो कंटिन्यूसली, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ, मैंने अपने क्लास में 2 या 3 दिन पहले बताया था कि मार्केट का जो भी ट्रेंड बन जाता है, जो भी ट्रेंड, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज ट्रेंड हो, वो ट्रेंड कंटिन्यूसली 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक तो रहता ही है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 21 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये यहाँ पे ऊपर गया और थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके, ये एक हिसाब से हम इसको एक चैनल कह सकते हैं, ये इसने एक चैनल क्रिएट करा कल और आज 2 दिनों तक, मतलब अब 2 दिन हो चुके हैं। तो कल जो मार्केट का मूवमेंट होने वाला है तो या तो अपसाइड का होगा या डाउन साइड का होगा।
साइडवेज होने के चांसेस 20% और मार्केट अप या डाउन जाने के चांसेस 80% है, क्योंकि आप पिछला उठा के देखेंगे एक जगह जिस दिन मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी वहाँ पर भी ऐसे कुछ हुआ था। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये 18 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे थोड़ा सा इस चैनल बनाया और नीचे आया। नीचे आने के बाद ये पूरा एक ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में फंसा रहा। दूसरे दिन भी आप देख पा रहे होंगे कि इसी बॉक्स में फंसा रहा। ये एक चैनल बनाया 19 तारीख को, ये 19 तारीख हो गई, ये 18 तारीख हो गई, और फिर उसने जब ब्रेक किया है तो ये 20 तारीख को जाके ब्रेक किया है इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर अब 21 तारीख को उसने ये चैनल क्रिएट करा, ये वाला, और 24 तारीख को भी सेम टू सेम उसी चैनल में ही फंसा रहा। तो अब आप देख पा रहे होंगे ऐसे पीछे भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप बिल्कुल बैक टेस्ट करके देख लीजिए कि जो भी चैनल जो भी ट्रेंड बनता है अपसाइड का या डाउन साइड का, मिनिमम 1.5 से 2 दिन तक तो रहता ही है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब अप ट्रेंड चलता रहता है तो वो 3-4 दिन कंटिन्यू अप ट्रेंड चलता है, और जब डाउन ट्रेंड चलता है तो कई बार वो 3-4 दिन डाउन ट्रेंड भी चलता रहता है। लेकिन अब यहाँ पे ये ना तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये एक चैनल में फंसा हुआ है ये मार्केट, ठीक है। और अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 2 दिनों के हिसाब से ये थोड़ा सा इसका ट्रेंड जो है डाउन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे सपोर्ट भी ले रहा है। अब कल की ओपनिंग अगर यहाँ कहीं हो जाती है, इस लेवल पे यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है तो हम अपसाइड जाने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेवल है और ये जो लेवल है, ये हमारा 222 जो मैंने आज का लेवल दिया था 46,000 का है ना, तो 222 का अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो ही हम ऊपर साइड जाएंगे, अदरवाइज अपसाइड जाने का कोई जल्दी ट्रेडबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर यहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कंसोलिडेट करता है, तब भी ऊपर अगर मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है तो हम कहाँ तक वेट करेंगे, 1-5 का है ना, यहाँ पे 46,125 का वेट करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये हमारा पहला टारगेट यही देगा 46,250, दूसरा टारगेट 46,333 का, और उसके बाद फिर अगर इसके ऊपर भी जाता है तो 46,000 हमारा 444 का, ये हमारे लेवल्स रहेंगे कल के लिए, ठीक है। और अगर डाउन साइड आ जाता है तो पहला लेवल तो हमारे लिए यही रखा हुआ 650 का। बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ओपन होके थोड़ा कंसोलिडेट करे तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हाँ, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पे, 600 से 700 के बीच में कहीं ओपन हो जाता है तो हम शांति से बैठे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर ये जो चैनल है अगर यहाँ पे ओपन होता है इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो ये नीचे एक ये चैनल बना हुआ है और नीचे भी इसने एक चैनल बनाया है, मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है तो नीचे जाने में भी थोड़ा सा खतरा रहेगा, क्योंकि इसके नीचे जल्दी जाएगा नहीं। और अपसाइड अगर इस लेवल को, ये जो है आपका 800 का लेवल, तो 800 के लेवल को अगर इस लेवल पे ओपन हो के 800 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर ये हमारा 945,921 जो आज की क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग तक तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गए कल के लेवल्स। अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं, कुछ नया जानकारी चाहिए वो भी पूछ सकते हैं।